एक हकीकत आहे त असी मुर्दा परस्त कौम आहियूं। कंहिंजे जीअरे सार लहण असां जी शायद फितरत में ई शामिल न आहे। हा, असां जी फितरत में इहो ज़रूर शामिल आहे त कंहिंजे मरण बाद उन ते सेमिनार ज़रूर कोठाईंदासीं, मकाला पढ़ंदासीं, वर्सियूं मल्हाए सदसि ज़िंदगीअ ते रोशनी विझंदासीं। पर जीअरे उन जे हाल ते रहम खाइण ॼण त गुनाह समझंदासीं। ही को दग वेंदड़ दरवेश या फ़क़ीर न, बल्कि सन 1900 वारे ॾहाके खां 2000 वारे ॾहाके ताईं सिंध जी सरज़मीन ते लगातार 20 साल सूफ़ी गीतनि खे अर्पींदड़ सिंध जो महान सूफ़ी फनकार सोढ़ल फ़क़ीर लगारी आहे, जंहिंजी अहिड़ी हालतुनि वारी वीडियो मंज़रे आम ते अचण बाद हर शख़्स डुख में वरतल आहे। सोढ़ल फ़क़ीर लगारी सवें सूफ़ी गीत ॻाए पंहिंजे दर्दीले आवाज़ खे रेडियो तोड़े सिंधी टीवी चैनलुनि जी ज़ीनत बणायो। खेसि नौजवान पुट केतिरो ई अरसो जिगिर, फिफड़नि ऐं पेट जी बीमारियुनि सां विढ़ंदे विढ़ंदे हैदराबाद जी हिकु इस्पताल में ज़िंदगी जी जंग हाराए वियो। अहिड़े सानहे खां बाद ऐं दुनिया जी सितम ज़र्फ़ियुनि सां विढ़ंदे विढ़ंदे आख़िरकार सिंध जो हिकु वॾो नालो अची फाटल कपड़नि ऐं टुटल जुतियुनि ताईं पहुतो। अफ़सोस, हिन मुर्दा क़ौम जे विच में हू अहिड़े हाल में ज़िंदगी बसर करे रहियो आहे। सिंध जे सांझाहवंदनि, दानिश्वरनि, सहाफ़ियुनि, वकीलनि तोड़े सिंध वासियुनि खे अपील थी कजे त हिन सूफ़ी फनकार जी मदद करे हिन जे अहिड़े हाल ते रहम खाओ। Let them go.